हे व्हाट्सअप गाइस, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि Redmi Note 3 में एक नया अपडेट आ चुका है 8.2.1.0, तो देखेंगे कि उसमें क्या नया है। तो एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने तो ऑलरेडी 8.2.1.0 स्टेबल वर्जन अपडेट कर चुका हूँ। इसका नोटिफिकेशन बार में या किसी भी चीज़ में कोई रिलेटेड नहीं है, जैसा है वैसे ही है। सिर्फ दो तीन फीचर्स, जैसे कि अपना होम पेज, होम स्क्रीन जो है वो पहले अंदर सेटिंग्स में था, जो अभी बाहर आपको डायरेक्ट सेटिंग्स में मिल रहा है, जहाँ आप लॉन्चर अपना जो भी है वो चेंज कर सकते हो। और इसका जो आइकॉन्स का शेप्स या जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा क्लियर हो चुका है और ज़्यादा ही ब्राइट है अभी का डिस्प्ले जो देखने गए। और इसमें ज़्यादा एडिशनल फीचर कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक बैटरी सेवर का एडिशनल फीचर आया है, जिसकी वजह से आपका बैटरी नियर बाय 1 आवर्स तक एक्स्ट्रा आपका बैटरी दे सकता है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप जैसे कि देख सकते हो मेरा ऑलरेडी डिवाइस 8.2.1.0 स्टेबल वर्जन में अपडेट हो चुका है। लेकिन जो चाइना में रिलीज़ हुआ था 8.2.1.0, उसमें होम पेज जैसे न्यूज़ साइट स्लाइड करने से न्यूज़ सब मिल जाता है, वो सब हमारा इंडियन स्टेबल वर्जन में नहीं है। और इसमें वॉलपेपर जो दिया हुआ है वो शायद Mi मिक्स का वॉलपेपर से, और हमारे लिए उन्होंने नियर बाय 3 वॉलपेपर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो आपको Mi मिक्स का फील दे सकता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने जस्ट अभी उसको अप्लाई किया है। इसमें होम स्क्रीन नहीं है जो साइड में, और इसमें ज्यादातर कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन में जो आपका हाइड फोटोज का जो ये था, उसमें आप पैटर्न लॉक से आपको लॉक निकालना पड़ रहा था, लेकिन अभी आप डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से ही कर सकते हो। और आप नोटिफिकेशन बार में भी आप देख सकते हो बैटरी सेवर मोड ऑन कर सकते हो। इसमें एक नया थीम आया है वो मुझे ज़्यादा ही पसंद है, और जो मैं थीम यूज़ करता हूँ वो है ईवी लॉन्चर, जो आप हर वीडियो में मेरा देख सकते हो। मैं कम से कम 2-3 महीने से वही यूज़ कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा स्मूथ लॉन्चर है और सबसे क्विक रिस्पॉन्स करने वाला लॉन्चर है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी है। और जो हमारा इनबिल्ट जो थीम है उसमें पिक्सल थीम करके है, जिसमें हम नोटिफिकेशन का जो कलरिंग है या जो आइकॉन सेटिंग्स है वो हमारा चेंज हो जाएगा। नॉर्मली जो अपने पास है वो एकदम बोरिंग वाला नोटिफिकेशन स्टेटस है, इसको अप्लाई करने से आप देख सकते हो एक पिक्सल का फील आपको दे सकता है। इससे आपका नोटिफिकेशन स्टेटस और जो सेटिंग्स में जो इनबिल्ट स्टेटस है उसका आइकॉन सब चेंज हो जाएगा, जो पिक्सल फोन्स में ऑलरेडी होते हैं। जैसे ही इसमें बैटरी सेवर आप देख सकते हो आपका नोटिफिकेशन स्टेटस में ही है, तो आप उसे इनेबल करने से आपका जो टॉप बार है वो ऑलरेडी ऑरेंज टाइप में आ जाएगा। जैसे आप सेटिंग में भी ये देख सकते हो कि जो आइकॉन्स है वो कैसे चेंज हुआ है, बोरिंग वाला आइकॉन्स नहीं है फिलहाल, वो अच्छी तरीके से उन्होंने ये किया है। तो इसमें भी मैं Mi मिक्स का ही वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा ही पसंद आया है। और मैंने देखा है कि सिर्फ नोट 3 में ही ये अपडेट आया है, नोट अपना प्राइम 3S या जो भी लो बजट का फ़ोन है उसमें तो ये अपडेट अब तक आया नहीं है। होप कि हर Mi UI मोबाइल में ये अपडेट आए या ना आए, हमारा वीडियो तो आते रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस।